कोरोना वायरस जितने तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी ये तेजी से पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुवार रात इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 3 दिनों में इंदौर में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को आई रिपोर्ट में 14 और 18 साल की 2 लड़कियां भी कोरोना से संक्रमित पाई गई। यही नहीं, इंदौर में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंदौर में कोरोना का संक्रमण 300% की रफ्तार से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इंदौर में अब तक कोरोना तीसरे चरण में आ चुका है, क्योंकि इंदौर में पाए गए मरीजों में से ज़्यादातर की जांच करने पर मालूम हुआ कि ना वो विदेश से लौटे हैं और ना ही किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। ऐसे में प्रशासन के होश उड़ गए हैं। माना जा रहा है कि कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो चुका है। वहीं इंदौर से 270 लोगों की जांच की गई, जिसमें 22 लोगों को कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में शहरवासियों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।